Is it clear? प्रोटोकॉर्डेट्स, नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोटोकॉर्डेट्स. प्रोटोकॉर्डेट्स जो होते हैं दे आर द इंफॉर्मेशन कैटेगरी ऑफ द एनिमल्स. प्रोटोकॉर्डेट्स पाए जाते हैं कैटेगरी ऑफ द एनिमल्स नेम्ड एंड कन्विंस्ड. हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा होते हैं. सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं. एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा कंसिस्ट ऑफ मरीन वर्म्स एंड दैट शेयर सम बट नॉट ऑल कैरेक्टरिस्टिक विद द कॉर्डेटा. ठीक है. एंड द एनिमल्स हैव द फारेंजियल गिल स्लिट्स, डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड यूजुअली सॉलिड होते हैं. एंड थ्री बॉडी पार्ट्स, प्रोब्लास्टिक कॉलर एंड ट्रंक पाए जाते हैं इसमें. एंड व्हाट वाज द वंस थॉट नोटोकॉर्ड इज नो लॉन्गर. ठीक है, नोटोकॉर्ड इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज द होमोलॉगस. नाउ एक्रॉन वर्म्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द हेमिकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर प्रोटोकॉर्डेट्स बट बिलोंग टू द कॉर्डेटा. ये प्रोटोकॉर्डेट होते हैं लेकिन बिलोंग करते हैं कॉर्डेटा से. Therefore, these animals will be discussed in the later chordata section, जो अभी मैं discuss करूंगा. Phylum chordata of the animal जो kingdom होता है, वो divide होता है two subgroups. एक होता है protochordata और एक होता है eukordata. Acrancia and crancia. Acrancia मतलब without brain box और cranium. And cranium is present. जब brain box present है कि नहीं है उसके basis पे ये divide होता है protochordata and eukordata. अगेन प्रोटोकॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू टू सब फाइलम यूरो एंड द सिफेलोकॉर्डेटा. यूरो को बोलते हैं ट्यूनिकाटा जिसमें नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट बट ओनली इन लार्वल टेल. ठीक है, जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लेकिन सिर्फ लार्वल टेल में है. और सिफेलोकॉर्डेटा जहां पे नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू टेल. इज इट क्लियर? नाउ आगे देखने की कोशिश करेंगे जनरल फीचर ऑफ द प्रोटोकॉर्डेटा. कुछ फीचर्स क्या है प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में? इलास्टिक सॉलिड इन रोड लाइक स्ट्रक्चर, वैस्कुलेटेड टारगेट सेल्स कॉल्ड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट मे बी थ्रू आउट द लाइफ और ओनली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस, जैसा कि ऊपर बताया गया. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉर्डेटा. एंड उनका जो होता है नॉन कॉर्डेटा में सीएनएस इज वेंट्रल होता था, सॉलिड एंड डबल होता था. फेरिंजियल गिल स्लिट पाए जाते थे. फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट विच इज प्रेजेंट विच टेक्स पार्ट द सर्कुलेशन ऑफ वॉटर फॉर द रेस्पिरेशन एंड हायर कॉर्डेट्स. दे अकर्स ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. वेंट्रल हर्ट पाया जाता है and gut lies ventral to the nerve cord. Post anal tail is present and if present then it is for the balancing. And there are bilateral symmetrical. ठीक है, bilateral symmetrical होता है, triploblastic होता है, coelomate होते हैं with the organ system. Organ system भी पाया जाता है organization level पे. Is it clear? Phylum chordata. Protochordata के बाद अब मूव करें chordata की तरफ. कॉर्डेटा जो होते हैं वो इनके पास पाया जाता है कॉर्डेटा या यू कॉर्डेटा अगर आप बोल सकते हो, जहां पे क्रेनियम पाया जाता है. नोटोकॉर्ड्स होते हैं यहाँ पे. इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि नोटोकॉर्ड, इलास्टिक सॉलिड स्केल्टल रॉड लाइंग बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड अबव द एलिमेंट्री कलर, नोटोकॉर्ड पाया जाता है. प्रिमिटिव इंटरनल स्केल्टन होता है जो कि पहले पाया जाता था. And persist throughout the life, yeah, or it may be replaced partially or completely by the backbone or the vertebral column. Dorsal hollow nervous system. Nervous system जो होता है dorsal होता है और hollow पाया जाता है जो कि आपके chordata में पाया जाता है. Dorsal hollow nervous system. इसके साथ साथ gill clefts पाए जाते हैं. There are paired opening of the leading from the pharynx to the exterior. Gill clefts पाए जाते हैं. Pharyngeal pouches पाए जाते हैं. अदर फीचर्स जैसे कि कॉर्डेटा आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्रिकल, सिलोम पाया जाता है एंड ऑलमोस्ट हैबिटेट अलग अलग जगह पे ये ऑलमोस्ट पाए जाते हैं. इज इट क्लियर? द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द कॉर्डेटा. कुछ और कॉर्डेटा जैसे कि आपको बताया गया था कॉर्डेट्स होते हैं, इसमें क्या होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होते हैं, नोटोकॉर्ड्स पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम्स पाए जाते हैं इन वर्टिब्रेट्स में, यही नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाता है. डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड्स पाए जाते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके डेवलप्स होते हैं जो ब्रेन और स्पाइन में जाता है.
or pharyngeal gill slits are the opening of the pharynx that develop into the gill arches in the bony faces and into the jaw and inner ear into the testicular animals. ठीक है, सो ये आपके पोस्ट टेल एनल्स स्केलेटन एक्सटेंडेड टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी बीइंग एब्सेंट इन द ह्यूमन, एब्सेंट ह्यूमन और एब्स में एब्सेंट हो जाता है, ऑल्दो प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कभी कभी प्रेजेंट होता है, लेकिन ड्यूरिंग जब बर्थ के टाइम तक ये एलिमिनेट हो जाता है. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉर्डेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, एक होता है नोटोकॉर्ड, एक होता है नोटोकॉर्ड, दिस इज द डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड. ठीक है, पोस्ट एनल टेल ये पाया जाता है एंड फारिंजियल स्लिट्स ये है. ये ऑलमोस्ट फिश लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, एक नोटोकॉर्ड, एक डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ये फारिंजियल स्लिट्स है और पोस्ट एनल टेल्स है. इज इट क्लियर? ये आपके कुछ पार्ट्स है जो कि कॉर्डेटा के इंपॉर्टेंट फीचर्स में आते हैं. जो नोटोकॉर्ड होता है यही जाके आपका फर्दर वर्टिब्री बनाता है, यही जाके आपका फर्दर वर्टिब्रल कॉलम बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम बनाता है वर्टिब्रेटा में. डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड यही जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है. पोस्ट नेल ये जाके एब्सेंट हो सकता है कभी कभी, या आपके कुछ फारिंजियल स्लिट्स जो होते हैं यहाँ पे गिल्स बनाते हैं जो कि आपके कुछ फिशेज में जो कि आपका फारिंजियल जो फिशेज में होता है वहां पे मूव वो रेस्पिरेशन के लिए आता है, या ये फिशेज में गिल्स बनाएगा, या ये आपके जॉज बनाते हैं मैमल्स और ह्यूमंस में. Is it clear? चलो वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करते हैं. कॉर्डेटा अब वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट में डिवाइड होगा. द कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू द टू सब फाइलम वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स. सब फाइलम वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेट्स विद द स्पाइनल कॉलम. इसके पास एक स्पाइनल कॉलम होगा, जो नोटोकार्ड अगर वर्टिब्रेटा या स्पाइनल कॉलम में बन गया उसको बोलते हैं वर्टिब्रेटा. एंड इसके पास वर्टिब्रल कॉलम होगा, हेड होगा जो कि कहते हैं कि क्रेनिएट कॉर्डेट्स होते हैं जिसके पास क्रेनियल पाया जाएगा, न्यूरल क्रेस्ट पाए जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होंगे एंड इंडोस्केल्टन्स भी होंगे. इंडोस्केल्टन्स में कार्टिलेजेस बोन एंड कार्टिलेजेस पाए जाएंगे, कार्टिलेजेस या बोन होते हैं, कोलेजन पाया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. इंटरनल ऑर्गन्स में लीवर्स, वर्टिब्रीज, किडनीज, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सारी चीजें पाई जाती हैं. न्यूरल क्रेस्ट में माइग्रेट करते हैं अदर लोकेशंस के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियोज में ये सब पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में. देखने की कोशिश करेंगे कुछ आपके जो पीसीज होते हैं उनमें क्या क्या फॉर्म होता है. पीसीज क्या होता है? बर्ड्स के लिए होता है. पीसीज जो होता है दिस इज यूज्ड, ये किस लिए है? ये सब फाइलम है जो क्लास आता है. पीसीज किसके लिए आता है? दिस इज फॉर द बर्ड्स. अच्छा, चलो कुछ तो याद है. जो लोग अनअकैडमी में पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि फिशेस से हमारा पुराना नाता है. ठीक है, सो पीसीज को कैसे बोल सकते हैं? फिश को ही पिस पिस में खाया जाता है. ठीक है, सो पीसीज को भूला नहीं जा सकता. ठीक है, सो फिशेस के ऊपर जब हम बात करते हैं, साइक्लोस्टोमेटा कॉन्ड्रोक्टाइल कहते हैं, दैट इज व्हाट कॉन्ड्रोक्टाइसिस एंड ओस्टिकथाइस, कॉन्ड्रोक्टाइस एंड ओस्टिकथाइस एंड साइक्लोस्टोमेटा. बॉडी जो होता है फिशेस में स्नेक लाइक होता है इनका, इनका फ्यूजी फॉर्म होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है और इनका डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फेस होता है. जी बर्ड जो होता है वो एवीज होता है. जी बिल्कुल, कार्टिलेजनस बॉडी होता है, इन सबके कार्टिलेजनस स्केल्टन्स होते हैं, जबकि ऑस्टियो इसमें आता, उसी नाम से आता है, बोनी काट होते हैं. स्केल्स अब्सेंट होते हैं साइक्लोस्टोमेटा में. कॉन्ट्रिक्टाइस में आपका बॉडी जो होता है वो कहते हैं पैल्कॉइड होता है, जो कि प्लेट शेप्ड होते हैं, यहाँ पे स्मूथ एंड साइनी होता है और कर्व्ड होते हैं या कॉम लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं. गिल्स जो होते हैं 6 to 14 पेयर होते हैं, यहाँ पे 5 to 7, यहाँ पे 5 पेयर हो सकते हैं. नाउ उसके बाद बात करते हैं कि लैम्प्रे जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, सेक्स सेपरेट हो सकते हैं, ओवी पैरस या वीवी पैरस हो सकते हैं, यहाँ पे यूनिसेक्स होते हैं. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल होता है. सो दिस इज व्हाट द लैम्प्रे हैगफिश एग्जांपल्स आता है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक रे दैट कंटेन्स द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स या ट्राउट पर कॉड, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है. यहाँ पे जो यूजेस होते हैं बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज करते हैं, यूजेस एज द फूड कॉन्ट्रिक्टाइस के वो यूज करते हैं, फिश ऑयल के लिए आप ऑस्टिकथाइस को यूज करते हैं. इज इट क्लियर? नाउ एम्फीबियंस, वो था आपका पीसीज, ये है एम्फीबियंस. एम्फीबियंस के बारे में बात करते हैं. एम्फीबियंस जो होते हैं वो आपके हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस.
एम्फीबियंस 4000 से ज्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं, गिव राइज टू द मॉडर्न लैंड वर्टिब्रेट्स। एंड एम्फीबियंस जो होते हैं लार्वा स्टार्ट फ्रॉम H2O विद द गिल्स एंड एडल्ट्स आर टेरिस्टिशियल विद द लंग्स। खतरनाक तरीके से ये एडल्ट जो आपके पानी में रहने वाले, ठीक है, पानी में रहने वाले को टेरिस्टिशियल से लिंक करने वाला जो ये क्लास आता है वो आता है एम्फीबियन, ठीक है। सो यूग्लिना को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट यूग्लिना को बोला जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट एग्लिना को बोला जाता है। अगर मैं बात बोलू कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द, कहते आप इसको कहेंगे कि मरीन सिस्टम या एक्वेटिक एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल सिस्टम जो होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है। नाउ इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन के बारे में बात करेंगे, स्ट्रॉन्गर बोन्स होते हैं, लंग ब्रीदिंग ट्यूब्स होता है, हिस्ट्री जो होता है ये क्या होता है, ब्रेस्ट बोन्स पाए जाते हैं, स्टर्नम, ठीक है। कार्बनिफेरस पीरियड में ये आता था, क्लासिफिकेशन उस तरीके से किया गया था। ऑर्डर ऑफ एम्फीबियंस होते हैं फ्रॉक्स सेलेमेंडर्स और ये आपके कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो कि यूज होते हैं। फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ द एम्फीबियंस, फीडिंग जो करते हैं लार्वा इनका हर्बीवोर होता है, एडल्ट जो होते हैं कार्निवोर्स होते हैं। डाइजेस्ट ट्रैक माउथ इसोफेगस से स्टमक फिर स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन फिर कॉलन फिर क्लोइका पे जाता है। रिस्पिरेशन स्किन से करते हैं लार्वा जब, और गिल से एडल्ट जो होते हैं वो लंग से करते हैं। सम थ्रू द स्किन भी करते हैं, मेनी टेरिस्टिशियल सेलामेंडर जो होते हैं उनके पास लंग नहीं होता तो वो स्किन से ही करते हैं, माउथ कैविटी से करते हैं। सर्कुलेशन लूप डबल लूप सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, डबल लूप सर्कुलेशन सिस्टम आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि डबल लूप सर्कुलेशन सिस्टम का मतलब है क्या है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड बैंक जो होता है वो लंग में जाता है, राइट आरडीएम है डबल सर्कुलेशन में, यहां पे पहुंचा, इसके बाद क्या होगा कि यहां से चलता हुआ जा रहा है, दिस इज व्हाट द अदर बॉडी के लिए। उसके बाद क्या है कि कोनस आर्टरीज जो होता है यहां से प्योर जो जिसके पास ऑक्सीजन है ये ब्लड आया फिर इस तरीके से मूव किया वेंट्रिकल में, फिर वो वेंट्रिकल से इस तरीके से मूव करता हुआ चला गया ऑक्सीजन रेट टू द बॉडी एंड ये लंग्स पे। समझ में आया, बॉडी से आया लंग्स पे भेजा प्यूरिफाई, वहां से प्यूरिफाई करके फिर लेके आया इस तरीके से। सो दैट इज व्हाट द डबल सर्कुलेशन सिस्टम, आपको दिख रहा होगा ये पूरा ऑर्डर जो है इस तरीके से डबल सर्कुलेशन सिस्टम दिख रहा होगा, एक सर्कुलेशन इस तरीके से दिख रहा होगा और एक सर्कुलेशन इस फॉर्म में दिख रहा होगा, दैट इज व्हाट द डबल सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। थ्री चेम्बर्ड हर्ट पाया जाता है जी, बिल्कुल इसके पास थ्री चेम्बर्ड हर्ट होते हैं, लिखा हुआ है जी थ्री चेम्बर्ड हर्ट, राइट आरटीएम लेफ्ट आरटीएम और एक ही वेंट्रिकल होता है, सिर्फ एक ही वेंट्रिकल होता है, थ्री चेम्बर्ड हर्ट पाया जाता है किसमें, एम्फीबिया में। कंपेयर सिंगल एंड डबल लूप सर्कुलेशन, जैसे हर्ट गिल्स बॉडी सिंगल लूप है, डबल लूप में हर्ट लंग्स हर्ट बॉडी, हार्ट से लंग्स लंग से हार्ट, फिर ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम इस तरीके से चलता है, ठीक है जी। कुछ एक्सक्रीशंस होते हैं जहां पे कि किडनीज होती हैं लिक्विड वेस्ट के लिए, वो किडनीज यूरेटर स्मॉल इंटेस्टाइन बर्डर क्लोएका के पास जाता है। रिप्रोडक्शन जो होता है एग्स जो होते हैं वाटर में चले जाते हैं, मेल वाटर में जो होते हैं डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, उस तरीके के फॉर्म्स में होते हैं। यहाँ पे एक टैडपोल आता है, हर्बीवोरस जो होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रॉक्स होते हैं, कार्निवोरस होते हैं और इस तरीके के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। योक ऑफ द एग नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इज इट क्लियर। The larva commonly cause the tadpoles and metamorphosis of this process of the tadpoles become the adult. Now आगे चलने की कोशिश करेंगे, कुछ आपके amphibian characteristics हैं, जैसे कि amphibians have the backbone, they are the cold blooded होते हैं, they spend the least part of their lives in the water and the land, ठीक है। Amphibians do not have the scales and their skin, जो उनके पास scales नहीं होते, and इसके skins जो होते permeable होते gases exchange के लिए, ताकि उनका temperature जो है वो according to the environment maintain हो सके, इसीलिए इनको cold blooded बोला जाता है। Cold blooded का मतलब according to the environment maintain हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये amphibians के part है। Most amphibians go through the metamorphosis, ये आपके कुछ इस पर्टिकुलर फॉर्म्स में होते हैं। रेप्टाइल्स की बात करते हैं, रेप्टाइल्स हैव द बैकबोन, रेप्टाइल्स के पास बैकबोन पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स होते हैं, कवर्ड होते हैं स्केल्स में, ये आपके क्या होते हैं ब्रीथ के लिए लंग्स पाए जाते हैं, एंड मोस्ट रेप्टाइल्स जो होते हैं एक करते हैं, जैसे रेप्टाइल्स में आपके एलिगेटर्स हैं, गार्टर स्नेक्स है, सी टर्टल्स है एंड मॉनिटर लिजर्ड, ये सारे रेप्टाइल्स में आते हैं। दे आर ऑल्सो द कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, एंड
अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज वेरी अप्रोक्सीमेट इलस्ट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इवोल्यूटरी रिलेशनशिप बिटवीन अमंग वर्टेब्रेट्स सेवरल थिंग, कि ऑल वर्टिब्रेट्स जो होते हैं फ्रॉम एन एम्फीबियन एंसेस्टर थ्रू हैव बीन द कहते हैं लैब्रिंथोडोंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एम्फीबियंस डाइवर्ज फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट्स वेरी अर्ली ऑन, टर्टल्स क्रोकोडाइल डायनासोर्स अपीयर्ड बिफोर द अदर वर्टिब्रेट टैक्सा, ये सारे पहले ही अपीयर हुए थे। एंड उसके बाद डायनासोर्स बर्ड्स क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द ईच अदर देन द टर्टल्स और मैमल्स। डायनासोर्स बर्ड्स क्रोकोडाइल स्नेक्स ये सारे आपस में ज्यादा रिलेटेड होते हैं रेदर देन टर्टल्स और मैमल्स से। एवीज की बात करते हैं जिसको बोलते हैं बर्ड्स, रेप्टाइल्स के बाद आता है एवीज या बर्ड्स, जो प्रेजेंस ऑफ द फीदर और बीक एंड फोर लिम्ब इन द फॉर्म ऑफ विंग, हिंड लिम्ब इज अडॉप्टेड फॉर द क्लैस्पिंग एंड वॉकिंग एंड स्विमिंग, नो ग्लैंड्स ऑन द स्किन, स्किन पे कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता, ओनली ऑयल ग्लैंड्स और टेल बेस होता है, होलो बोन्स पाए जाते हैं ताकि वो उड़ सके, न्यूमेटिक नेचर प्रोवाइड किया जाता है, एयर सैक्स कनेक्टेड होते हैं लंग से सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन के लिए, एंड वार्म ब्लडेड होते हैं, हार्ट आर फोर चेम्बर्ड होता है एंड सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एंड जैसे कि कोलंबा पिस्टिकुला ये सारे चीजें एग्जांपल्स एविजन बर्ड में आते हैं। नाउ द क्लास ऑफ मैमिलिया, मैमिलिया के बाद में बात करते हैं, ठीक है। मैमिलिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैमिलिया के बारे में जब हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो इंडोथर्मी होते हैं, प्ले क्या होता है इंडोथर्मी पाया जाता है, इंडोथर्म का मतलब है मेंटेन द हाई एंड कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर थ्रू आउट द देयर मेटाबॉलिज्म, फोर चेम्बर्ड हर्ट होते हैं, फोर चेम्बर्ड हर्ट पाया जाता है, मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, सिंगल जॉ बोन होता है, स्पेशलाइज्ड टीथ पाया जाता है, हाईली डेवलप्ड ब्रेन होता है, लार्ज सेरिबेलम सेरिब्रम होता है, डायफ्राम पाया जाता है, वीवी पैरस होते हैं, ठीक है, जिंदा कहते हैं कि बर्थ देते हैं लाइव बर्थ, यूटरस, ठीक है, यूट्रस फॉर्मेशन होता है, यूट्रस यहाँ पे होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं, ये सारे आपके मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इज इट क्लियर? चलो, सो हमने क्लासिफिकेशंस क्लियर कर लिया है, जितने सारे क्लासिफिकेशंस हमने देखने थे ऑलमोस्ट हमने क्लासिफाई कर लिया है। नाउ अब बात आता है कि ह्यूमन का क्लासिफिकेशन, यहाँ पे ह्यूमन का क्लासिफिकेशन के बारे में एक बार बात कर लेता हूँ जी। ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन में कई सारे, ह्यूमन का नाम क्या है अभी अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन क्लासिफिकेशन, ठीक है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, यहाँ पे स्लाइड एडेड नहीं है बट आप लोग बता देंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, क्या है ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस, क्या होता है होमोसेपियंस के बारे में, इवोल्यूशन में आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे इसलिए क्लासिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि होमोसेपियंस, होमोसेपियंस से सबसे क्लोज जो होता है कौन होता है जी, होमोसेपियंस से सबसे क्लोज कौन होता है, चिंपैंजी, नाम सुना हुआ है अलग अलग, जेलो कहते हैं कि डेवोसिनियन, ठीक है, डेवोसियन, होमोसेपियंस नियंडरथेलिस, ठीक है, नियंडरथेलिस कुछ तो याद है, नियंडरथेलिस, उसके बाद होमो सेपियंस के बाद होमो नियंडरथेलिस, फिर आता है होमो इरेक्टस ग्रेट, फिर उसके नीचे कौन आता है, एनीबॉडी, एक और आता है बता दो, नियंडरथेलिस इरेक्टस आता है, उसके बाद डेवोसोनियन आते हैं, डेवोसोनियन, ये सारे तीन फॉर्म्स होते हैं, क्रोमैग्नॉन, तो क्रोमैग्नॉन तो नीचे आता है, यस क्रोमैग्नॉन उसके भी नीचे आएगा, ठीक है, एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक और आता है होमोसेपियंस का, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, यस हैबिलिस, यस फैंटेस्टिक, ठीक है, हैबिलिस, यस हैबिलिस के बारे में बात करता है, होमोसेपियंस हैबिलिस आता है, सो इस तरीके का फॉर्म होता है, याद रखे रहना, ठीक है, क्रोमैग्नॉन तो अभी बहुत नीचे आता है, तो ये फॉर्म होता है, दैट इज व्हाट, याद रखे रहना, ठीक है, डेवोसिनियंस होते हैं सबसे पहले, फिर नियंडरथेलिस, फिर इरेक्टस, फिर हैबिलिस, इस तरीके से डिक्रीज होते हैं, हमारा नाम होता है होमोसेपियंस सेपियंस, अब हम सेपियंस नहीं रह गए हैं, हम होमोसेपियंस सेपियंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, दो बार सेपियंस लिखना, ठीक है, होमोसेपियंस सेपियंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, दिस इज द ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ या इसका किस तरीके से क्लासिफाई, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखे रहना, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, होप के जूलॉजी ऑलमोस्ट कवर अप हम कर चुके, गाइस माय नेम इज वीरेन सिंह, सो
अनअकैडमी पे मैं प्लस और आइकॉनिक के लिए पढ़ाता हूँ, तो क्रैक करिए CSIR को विद मी वीरेन सिंह ऑन अनअकैडमी, जहाँ पे कई सारे कोर्सेज जो हैं वो चलते रहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, सो प्लस कोर्सेज इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे इंडियाज बेस्ट एजुकेटर लाइव क्लासेस कोर्स एंड PDF एंड क्विजेस मिलते हैं। आइकॉनिक में इन सबके अलावा आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यूज़ करें रेफरल कोड वीरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। वेरियस बैच कोर्सेज इज रनिंग, बैच 2, 5 एंड 7। इन बैच कोर्सेज में भी आप जुड़ सकते हैं, या तो इंडिविजुअल कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे यूनिट 13, 8 एंड डिफरेंट यूनिट्स जो है मैं डील करता हूँ। प्लस के जो फीचर्स है, जहाँ पे फुल लेंथ कोर्सेज, MCQs एंड PYQs, न्यू बैचेस एवरी वीक, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, वीकली क्विजेज इन एवरी कोर्सेज, फुल मॉक टेस्ट एंड ऑल सब्जेक्ट्स बायलैंगुअल आपको मिलते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक में आपको मिलता है कई सारी चीज़ें। इन सब के अलावा हम और सारी चीज़ें इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सिनेप्सिस, प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो जुड़िए अनअकैडमी के साथ, 6 मंथ की कॉस्ट इतनी है। अगर आप प्रिफर कोड वीरेन और वीरेन लाइव यूज़ करते हैं तो आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस फ्री होती हैं। पोस्ट द लर्नर का ऑप्शन यूज़ करिए, रेज योर हैंड का ऑप्शन यूज़ करिए, डायरेक्ट अपने एजुकेटर से बात करिए, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स एंड एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर, ये चीज़ें ले सकते हैं। स्पेशल क्लासेस कई सारी जो है आपके मेरे प्रोफाइल पे जाके अवेलेबल हैं, देख लीजिए, और अपकमिंग भी वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑफर्स चल रहे हैं 12+2 27 अक्टूबर तक, और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। 31 अक्टूबर तक ऑफर है, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको मेगा ऑफर जो चल रहा है। आस्क अ डाउट फीचर भी आ चुका है, इसका फीचर भी यूज़ कर सकते हैं आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, एंड 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो हर यू गाइस, सब्सक्राइब नाउ एंड यूज द रेफरल कोड वीरेन और वीरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट।